गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अर्थात अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फर्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अर्थात कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। चलिए देखते हैं, कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम प्रवर्धन क्या है कि पौधे के कायिक भागों को इच्छा अनुसार, जैसा कि उसके पौधे के अंतर्गत आवश्यकता है नए पौधे प्राप्त करने की, मानव द्वारा नए पौधे प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की भी दो विधियां हैं, चार पांच विधियां हैं बेटा। पहला है रोपण अथवा कलम या ग्राफ्टिंग, दूसरा है कलिकायन या कली लगाना मींस बडिंग, तीसरा है दाब लगाना यानी लेयरिंग, चौथा है कटिंग या कर्तन, पांचवा है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इनका हम स्टेप बाय स्टेप आगे अध्ययन करेंगे। तो पहली हमारी जो विधि है वो है रोपण अथवा कलम बांधना या ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हम देखें ग्राफ्टिंग क्या है। तो इस विधि में एक ही जाति के निकृष्ट किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर निकृष्ट का मतलब एकदम बुरा नहीं, यह इसका अर्थ है कि जिनमें कमजोर पौधा है, जो वीक है, जिसमें ज्यादा जल्दी डिसीज अटैक कर लेती हैं, जो जो ज्यादा रोग प्रतिरोधी नहीं होता है, या वो पूरे समय से उसमें आगे फ्लावरिंग बडिंग वगैरह नहीं हो सकती है, ऐसे पौधों को हम उन्नत किस्म के, उसी जाति के उन्नत किस्म के ज्यादा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक वाले पौधे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हम उससे भी बता रहे हैं आपको, इन्फीरियर टर्न ऑन सुपीरियर वेराइटी। इतना भी सूत्र फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं इसका उदाहरण क्या है, जैसे गुलाब, बोगनविलिया, नारंगी और नींबू के पौधे। हमने देखा है कई बार गुलाब की प्रदर्शनी या पौधों की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अनेक एग्जीबिशंस लगती है और हम देखते हैं एक ही पौधे पर हम कई तरह के कलर कलर के गुलाब को देखते हैं। तो वो ये सब किसके द्वारा संभव हो जाता है, रोपण अथवा कलम बांधने के द्वारा। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो इंफीरियर क्वालिटी वाला प्लांट है उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसको हम पहले हम इंफीरियर क्वालिटी वाले प्लांट को लेते हैं और उसको किसी गमले में या जमीन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, उसमें उसके रूट सिस्टम डेवलप होना चाहिए और उसके ऊपरी वाले हिस्से को हाफ तिरछे कट में काट लेते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, दूसरा स्टेप जो होता है उसमें जो सुपीरियर क्वालिटी वाला प्लांट रहता है, बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने ये मेथड को समझ लिया तो आपको इसको अपने मन से डिस्क्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया हमने, इंफीरियर क्वालिटी वाले प्लांट को लिया, उसके स्टेम को हमने तिरछा कट किया और ये वाला हिस्सा जो है उसको स्टॉक कहा गया। क्या कहते हैं उसको, स्टॉक। एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है स्टॉक किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग में जो नीचे इंफीरियर क्वालिटी वाला प्लांट का जो स्टेम रहता है उसको स्टॉक कहा जाता है। दूसरे स्टेप हमने क्या लिया, दूसरे स्टेप में हमने सुपीरियर क्वालिटी वाले में ज्यादा अच्छे लक्षण है, वो रोग प्रतिरोधी है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है और साथ ही साथ उसमें जो पुष्पन की क्रिया है वो भी बहुत अच्छे से हो रही है, ऐसे पौधे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसी सेम जाति के, जाति में अंतर नहीं, सेम ही प्रजाति के पौधे को। अब हम इसको क्या लेते हैं, ऊपर के इसके भी पौधे के जो स्टेम वाला पोर्शन है उसको भी हम ऑब्लिक में कट कर लेते हैं और ये वाला जो टोटल पार्ट कहलाता है इसको हम सियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सियॉन कहते हैं। अब इस सियॉन पार्ट को हम स्टॉक वाले पार्ट से अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद इसको हम बैंडेज से अच्छे से तरीके से टाइटली बांध देते हैं। तो ये हमारा पौधा अभी अच्छे से बंध गया है, मतलब हमने इसमें अटैचमेंट कर दिया इंफीरियर क्वालिटी विद सुपीरियर क्वालिटी प्लांट।
अब इसको हम कुछ दिन के लिए पानी देते रहते हैं, इसको अच्छी कंडीशन में देखते रहते हैं, देख रेख करते रहते हैं। थोड़ी दिन बाद क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये अच्छे से ज्वाइंट अप हो जाता है, इसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू वगैरह अच्छे से जुड़ जाते हैं और ये पौधा नए तरह से रीग्रो करने लगता है। फिर से इसमें लीव्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह अच्छे अच्छे आने लगते हैं। तो ये हो गया हमारी रोपण के बाद दूसरी विधि जो है वो है कलिकायन या कली लगाना, कलिकायन अथवा कली लगाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। ये भी जो प्रोसेस है बच्चों बिल्कुल सेम पहली प्रोसेस के जैसे है और ये उत्तम और नवीन विधि है और रोपण की विधि का ही विकसित रूप है। तो चलिए देखते हैं, इसमें सेम वही प्रोसीजर होती है। एक सियान पार्ट लेते हैं हम जो कि कलिका युक्त पार्ट होता है, बड पोर्शन होता है आप उस प्लांट का, और उसको ले जा करके स्टॉक पर निरूपित कर देते हैं, स्कंद वाले पोर्शन पे ले जा करके उसको फिक्स कर देते हैं और बांध देते हैं इस प्रकार से। कुछ समय पश्चात ये इसमें फिक्स हो जाता है और ग्रो करने लगता है। तो ये है हमारा कलिकायन या कली लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी विधि है दाब लगाना या लेयरिंग। लेयरिंग वाली जो विधि है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दाब यानी दबाना, कंप्रेस करना और उसमें क्या करना, मिट्टी की परत डालना। इसकी कई विधियां हैं लेकिन बहुत डिटेल आपको नहीं है, लेकिन फिर भी जनरलाइज वे में आपको बता दूं। पहला है सरल या सामान्य दाब, दूसरा है शीर्ष दाब, तीसरा सतत अथवा खाई दाब, चौथा संयुक्त अथवा सर्पिल दाब, पांचवा है वायु दाब अथवा गूटी बांधना। तो इनको देखते हैं कि ये दाब में क्या करते हैं, हम ये सर्पिल दाब की एक विधि देख रहे हैं पहले। सर्पिल दाब यानी कंटिन्यूअसली किसी पौधे की नरम और लचीली शाखा ली जाती है और उसको कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, भूमि पर जमीन में क्या करते हैं, दबा देते हैं, इस पर लेयरिंग कर देते हैं मिट्टी की। इसकी जो पर्व संधियां होती हैं तने की, उससे रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, बाद में ये शूट सिस्टम डेवलप कर लेता है और फिर बाद में ये पौधे अलग कर दिए जाते हैं। उसी विधि में सिंपल लेयरिंग, ये नरम लचीली शाखा को इसी प्रकार जमीन में दबा दिया जाता है, बाद में ये रूट शूट सिस्टम डेवलप करता है और नया पौधा बना लेता है। इसी प्रकार से एक और विधि है जिसको कहते हैं गूटी बांधना। गूटी बांधना इसको आप समझ लीजिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होता है, एक पौधे की नरम लचीली शाखा जो वृद्धि करती रहती है, इसमें मेरिस्टमेटिक ग्रोथ होती रहती है, उस शाखा पर मिट्टी की लेयरिंग कर दी जाती है, फिर इस मिट्टी की लेयरिंग को अच्छे से इस शाखा से बांध दिया जाता है, ऊपर से इसका सिंचाई का साधन विकसित कर दिया जाता है और निरंतर इसमें पानी जाता रहता है। धीरे धीरे ये शाखा रूट सिस्टम डेवलप करती है और बाद में इसको धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर रूट आने लगती है और उसके बाद इस पौधे को अलग करके दूसरी जगह प्लांट कर दिया जाता है। तो ये है हमारा दाब लगाना। इसके बाद जो एडवांस विधि है कायिक प्रवर्धन की, वो है कटिंग या कर्तन। कटिंग या कर्तन के नाम से स्पष्ट है कि पौधे का इसमें कोई भी भाग, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, वो उस भाग को काट करके हम लगा दें मिट्टी में तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में मेरिस्टमेटिक टिश्यू यानी विभिज्योतक ऊतक, पौधे के जितने भी शीर्ष भाग रहते हैं उनमें, उन कलिका में, उन वहां पर ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो टॉप वाला भाग रहता है वहां पर क्या करता है, तेजी से ग्रो होता है, यानी सेल डिवीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे भागों को लगा दें तो उससे हम नए प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण है नींबू, अंजीर, केला, सेब। चलिए इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये पॉटेड प्लांट है, इसमें हमने इसके स्टेम पोर्शन को कट किया जिसमें यहाँ पर पत्तियां और वो कली का बड़ शीर्ष भाग डेवलप है और उसको ले जा करके हम क्या करते हैं, फिर नए प्लांट में लगा देते हैं और उससे फिर एक नया प्लांट हम प्राप्त कर लेते हैं। कटिंग रूट की भी है, इसी प्रकार से कुछ लीफी मांसल पत्तियां होती हैं उनको भी हम इसी प्रकार से लगा सकते हैं।
पत्तियों को भी हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से रूट शूट और लीफ सिस्टम के द्वारा, कटिंग सिस्टम के द्वारा हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो विधि है, एडवांस विधि, वो है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। इसकी परिभाषा आती है आपको 4 मार्क्स में। तो पहले परिभाषा देखते हैं। पौधे की कोशिका, ऊतक अथवा किसी अंग का संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराकर नया पौधा बनाने की जो विधि है वो सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इसको एक प्रकार से हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। अब कल्चर मीडियम क्या है? तो कल्चर मीडियम वह माध्यम है जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो भी उनको चाहिए, CH, NPO, K जो भी है, इनके बाद इनका पूरा एक संवर्धन माध्यम तैयार होता है और उसके अंतर्गत पौधे ग्रो करते हैं। तो देखते हैं, इसमें 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कैलस, यानी कि असंगठित कोशिकाओं का समूह जो है वो क्या बना लेता है, कैलस बना लेता है। इसके बाद है प्लांटलेट्स। जब ये कैलस एक पिंड की आकृति करते हैं तो इससे सूक्ष्म रूप से कलिका बड्स निकलना चालू हो जाती है और ये बड्स बड़े हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, प्लांटलेट्स बना लेते हैं। और सोमाक्लोन, सोमाक्लोन का मतलब क्या है कि जो भी इससे हमें नया पौधा प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अपने जनक पौधे के, इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल जनक पौधे के जैसे होते हैं, इसलिए उसको सोमाक्लोन भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसकी पिक। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पौधे की सेल्स हैं जिनसे हमको एक नया पौधा प्राप्त करना है। इनको हम कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जहां पर ये ग्रो होती है, कैलस बनाती है, कैलस के बाद से ये बड्स बनाती है, एम्ब्रियोइड स्ट्रक्चर बनाती है, उसके बाद ये नए प्लांटलेट्स में परिवर्तित हो जाती है। ये प्लांटलेट जो है अब ये स्वतंत्र रूप से किसी भी जगह रोपित करने के लिए तैयार है और इस विधि से हमको नए पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये बिल्कुल एडवांस विधि है हमको कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत। बच्चों, हमने आपको अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कायिक प्रवर्धन और अन्य विधियों का वर्णन किया जिसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अन्य विधियों के बारे में डिटेल वर्णन सीखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और लर्न भी करें साथ ही साथ, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।